Now the next container control is flow layout panel, and another container control is table layout panel. Now ये जो दोनों container controls है, right? वो सिर्फ हमें layout बनाने में helpful रहता है, right? ये जो दोनों container controls है, वो दोनों container controls हमें layout design करने में helpful रहेंगे, right? As the name says, flow layout. फ्लो लेआउट का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर दूसरे चाइल्ड कंट्रोल्स प्लेस करेंगे तो वो एक फ्लो में पेस्ट होंगे, राइट? वो एक फ्लो में वहां पे रखे जाएंगे. एज यू आर एबल टू सी इन द डायग्राम कि मैंने यहाँ पे फ्लो लेआउट पैनल रखा है एंड उसके अंदर जैसे ही मैंने वन बाय वन लेबल कंट्रोल्स रखे तो वो एक के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में थर्ड, थर्ड के बाजू में फोर्थ, उस हिसाब से विद इन अ फ्लो From left to right place हुए. और अगर हम ये flow layout panel use नहीं करते हैं तो already आपको पता है कि जब भी हम टूल बॉक्स में से कोई भी controls एक से ज्यादा paste करते हैं तो वो एक के ऊपर एक in vertical manner आते हैं, right? वो हमने already experience किया है. लेकिन अगर हम इस हिसाब से flow layout panel रखेंगे तो वो एक flow में place होंगे within that container control, right? एंड बाई डिफॉल्ट उसकी डायरेक्शन होती है, दैट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वो लेफ्ट टू राइट उसकी डायरेक्शन है, राइट? सो अगर वर्टिकली हम सेट करेंगे तो वर्टिकल मैनर में वो पेस्ट होंगे, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. या फिर हम ये भी सेट कर सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट है तो राइट टू लेफ्ट पेस्ट करना है या फिर बॉटम टू टॉप पेस्ट करना है. सो दोज ऑल थिंग्स वी कैन सेट विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड दैट इज पॉसिबल. Now along with that, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे फोर लेबल कंट्रोल्स रखे हैं, अब अगर मैं फिफ्थ लेबल कंट्रोल प्लेस करने जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे फ्लो लेआउट पैनल में प्लेस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो दूसरी लाइन में प्लेस होना चाहिए या फिर ये फ्लो लेआउट की जो साइज है वो इंक्रीज होनी चाहिए या फिर हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार कंट्रोल चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स की जो हम प्रॉपर्टीज का यूज करके भी यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें वहां पे क्लिप करना है या फिर रैप करना है, राइट? ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो सेट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंट्रोल, राइट? लाइकवाइज अगर मैं टेबल लेआउट पैनल की बात करूं, राइट? सो टेबल लेआउट पैनल के अंदर अगेन एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे हम जो भी दूसरे चाइल्ड कंट्रोल्स रखेंगे विद इन दिस कंटेनर कंट्रोल, राइट? तो वो टेब्यूलर फॉर्मेट में आएंगे बिकॉज एज द नेम सेज कि वो टेबल के हिसाब से हमें लेआउट बना के देगा. सो ऑब्वियसली वहां पे टेबल है तो ग्रीड होगा. ग्रीड मीन्स जो स्क्वायर्स होते हैं वो, दैट इज रोज एंड कॉलम्स, राइट? तो जब भी हम यहाँ पे दूसरे कंट्रोल्स प्लेस करने जाएंगे तो वो इंडिविजुअली रो बाय रो कॉलम्स में पेस्ट होंगे. आप यहाँ पे लेबल के नंबर्स देख सकते हो तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे लेबल पेस्ट हुए हैं. दैट इज लेबल फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ आया, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद सेवन्थ आया, दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड उसके बाद एट्थ आया, दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम. इन शॉर्ट ये जो लेआउट पैनल के जो कंटेनर कंट्रोल्स है, इट विल जस्ट डिटरमाइन द लेआउट ऑफ द कंट्रोल्स के जो हम उसके अंदर रखना चाहते हैं, राइट? सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो लेआउट पैनल कंट्रोल, राइट? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफॉल्ट पैडिंग. डिफॉल्ट पैडिंग का मीनिंग क्या होगा कि जो इंटरनल स्पेसिंग होगी, राइट? जो कॉन्टेंट है और जो कंट्रोल है, राइट? वो दोनों के बीच में जो इंटरनल स्पेसिंग होगी इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल, वो अगर मुझे जानना है तो डिफॉल्ट पैडिंग प्रॉपर्टी का मैं यूज कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज फ्लो डायरेक्शन, राइट? कौन से डायरेक्शन में है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मार्जिन, स्पेस बिटवीन द कंट्रोल्स, दो कंट्रोल्स के बीच में स्पेस कितनी होगी, दैट इज लेबल वन एंड लेबल टू के बीच में स्पेस कितनी होगी, राइट? नेक्स्ट इज पैडिंग. पैडिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये जो कंटेनर कंट्रोल है एंड उसके अंदर जो दूसरे कंट्रोल्स है वो दोनों कंट्रोल्स के बीच में स्पेस क्या होगी, दैट इज पैडिंग बिटवीन द कंटेनर कंट्रोल एंड द लेबल कंट्रोल. हमारे यहाँ पे डायग्राम में लेबल कंट्रोल रखा है इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लेबल कंट्रोल का एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट?
नेक्स्ट इज राइट टू लेफ्ट, राइट। सो राइट टू लेफ्ट का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, दैट इज फॉन्ट्स लिखेंगे या फिर कंट्रोल्स रखेंगे, राइट, वो राइट टू लेफ्ट प्लेस किए जाएंगे या फिर लेफ्ट टू राइट प्लेस किए जाएंगे। अगर ट्रू है तो राइट टू लेफ्ट होगा, फॉल्स है तो लेफ्ट टू राइट होगा, राइट। सो द अलाइनमेंट ऑफ द कंट्रोल्स जो हम ये पर्टिकुलर फ्लो लेआउट पैनल के अंदर पेस्ट करेंगे वो। अनदर प्रॉपर्टी इज रैप कॉन्टेंट, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैंने फोर लेबल कंट्रोल तो प्लेस कर ही दिए है, अगर मैं फिफ्थ लेबल कंट्रोल पेस्ट करने जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो दूसरे लाइन में आ जाना चाहिए या फिर वो कंट्रोल के अंदर स्क्रॉल बार आ जाना चाहिए या फिर वो कंट्रोल की साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना हो जानी चाहिए या फिर वो कंट्रोल वहां पे पेस्ट नहीं हो सकता होना चाहिए या फिर वो क्लिप भी हो सकता है। सो देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स के जो हम ये रैप कॉन्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो लेआउट पैनल कंट्रोल, राइट। मेथड्स आर सेट फ्लो ब्रेक, राइट। अगर मुझे ब्रेकिंग पॉइंट सेट करना है, राइट, कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर कितने कंट्रोल्स आने चाहिए, वो मुझे अगर ब्रेक पॉइंट सेट करना है, फ्लो का ब्रेक पॉइंट सेट करना है, तो मैं ये मेथड का यूज करके कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज सेट डिस्प्ले रेक्टेंगल लोकेशन, राइट। जो भी डिस्प्ले विंडो है, राइट, उसको वो पोजीशन करते करके देगा अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक वैल्यू, राइट। अगेन आई रिपीट, जो भी डिस्प्ले विंडो है उसकी पोजीशन हमें पर्टिकुलर विंडो से, सॉरी, पर्टिकुलर वैल्यू से वो सेट करके हमें देगा। And the default event of this flow layout panel control is paint event. Now the next control is table layout panel control, as I have already said, right? As I have already discussed brief related to this table layout panel control. As you are able to see within the image के आपको ये जो भी हम content रखेंगे या फिर जो भी दूसरे controls रखेंगे, it will be in terms of grid. राइट, एंड ग्रीड है तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो उस हिसाब से उसके अंदर बाकी सारे कंट्रोल्स हम रख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबल लेआउट पैनल कंट्रोल। एंड अनदर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, दैट इज टेबल लेआउट पैनल एंड फ्लो लेआउट पैनल की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, दे आर मार्जिन, डिफॉल्ट पैडिंग एंड पैडिंग। दीज आर द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इन द controls, that is table layout and flow layout. But table layout panel ki khud ki bhi properties hai, and obviously if it is in terms of table, to uske andar cells, that is columns and rows, uske related bhi wahan pe hume properties milegi, because obviously hume yahan pe set karna hai ki hume ye table layout panel mein kitni rows chahiye, kitni columns chahiye, wo row ke andar spacing kitni hogi, that is column के अंदर, cell के अंदर spacing कितनी होगी, उसकी style क्या होगी, padding कितना होगा, right? Means there are many different things के जो हमें table के related set करना होता है, तो उसके related हमारे पास यहाँ पे properties है। So first property is cell border style, मतलब मुझे particular cell की border की style set करनी है, right? तो वो भी मैं कर सकती हूँ। Column count, कितनी number of columns है, वो भी मैं गेट या फिर सेट कर सकती हूँ। कॉलम स्टाइल, राइट, वो भी मैं सेट कर सकती हूँ। राइट, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉलम। सेल की अगर मैं बात करूं, देन दीज आर द इंडिविजुअल सेल्स, राइट। लेकिन अगर मैं कॉलम की बात करूं, मीन्स ये जो वर्टिकल मैनर में हम जो ग्रिड के अंदर हमें बॉक्सेस मिलेंगे, दे आर नोन एज कॉलम्स। सो हम दोनों की स्टाइल वहां पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रो स्टाइल, राइट। ग्रो स्टाइल का मीनिंग क्या होता है, दैट वेदर द कंट्रोल शुड एक्सपांड, राइट, टू अकोमोडेट न्यू सेल्स और नॉट, राइट। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने टेबल लेआउट पैनल की साइज फिक्स की है, लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दूसरी कॉलम्स ऐड होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये टेबल लेआउट पैनल के अंदर हम कॉलम्स ऐड कर सकते होने चाहिए, ताकि हम न्यू सेल को अकोमोडेट कर सके या फिर नहीं, राइट। नेक्स्ट इज रो काउंट, दैट इज कितने टोटल नंबर ऑफ रोज है ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर।
नेक्स्ट इज अगर कॉलम स्टाइल है तो रो स्टाइल भी होगी, राइट। सो इंडिविजुअल दैट इज जो भी रोज है उसके रिलेटेड हम वहां पे स्टाइल्स सेट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल लेआउट पैनल कंट्रोल विच आर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। नाउ द मेथड्स ऑफ टेबल लेआउट पैनल कंट्रोल, ऑब्वियसली अगेन इट विल बी रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। सो द फर्स्ट मेथड इज गेट सेल पोजिशन। अगर मुझे पर्टिकुलर सेल की पोजिशन चाहिए, दैट इज रो एंड कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, राइट, वो मुझे पोजिशन चाहिए तो मैं ये पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज गेट कॉलम, राइट, इट रिटर्न्स द कॉलम पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि ये लेबल नंबर 7 है, राइट, उसकी पोजीशन क्या है, वो पर्टिकुलर जो कॉलम के अंदर है उसकी पोजीशन क्या है, वो अगर मुझे चाहिए तो मैं ये गेट कॉलम मेथड का यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज गेट कॉलम स्पान। अगर मुझे, आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पैनिंग, राइट, तो मैं रो स्पान भी कर सकती हूँ एंड कॉल स्पान भी कर सकती हूँ, दैट इज कॉलम को भी मैं स्पैन कर सकती हूँ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैनिंग, हम टू या थ्री कॉलम्स को मर्ज करके उसको बड़ी बनाते हैं ताकि हम उसके अंदर जो कंटेंट रखना चाहते हैं, जो कंट्रोल्स रखना चाहते हैं, वो हम अच्छी तरह से रख सके। सो दैट इज गेट कॉल स्पैन, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स के जो हमने स्पैन की है वो कितनी है। नेक्स्ट इज गेट कॉलम विड्थ। अगर मुझे विड्थ चाहिए, राइट, बट इट विल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एरे, बिकॉज जितनी भी कॉलम्स है मे बी पॉसिबल उसकी विड्थ अलग अलग हो सकती है। अगर मैंने स्पैनिंग किया है तो वहां पे विड्थ इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, राइट, तो उस हिसाब से मुझे इन पर्टिकुलर एरे मुझे सारे कॉलम्स में कॉलम्स की विड्थ मुझे वो रिटर्न करेगी ये मेथड। नाउ नेक्स्ट जो भी मेथड्स है दे आर रिलेटेड टू रो, दैट इज गेट रो। अगर मुझे पर्टिकुलर रो की पोजीशन चाहिए, अगेन अगर मैं यही इमेज का एग्जाम्पल लू तो अगर मैं वहां पे कहती हूँ कि लेबल नंबर 7 कौन सी रो में है वो मुझे चाहिए, सो वो रो पोजीशन रिटर्न करेगी ये मेथड। नेक्स्ट इज गेट रो स्पैन, मैंने कितनी नंबर ऑफ रोज स्पैनिंग में यूज की है, राइट, वो मुझे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज गेट रो हाइट, जैसे यहाँ पे कॉलम की विड्थ हम गेट कर सकते हैं वैसे ही हम यहाँ पे रो की हाइट इन टर्म्स ऑफ एरे, राइट, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, राइट, एरे के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ जितने भी हमने गेट मेथड यूज की है वो सबके रिलेटेड सेट मेथड है, मतलब हमने गेट मेथड का यूज करके वैल्यू को रिट्रीव किया, राइट, अब हम वही सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर प्रॉपर्टीज है ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल लेआउट पैनल कंट्रोल, राइट, उसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज अगर हमें सेट करनी है तो ये सेट मेथड्स जो है हम उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेल पोजीशन सेट करनी है तो सेट सेल पोजीशन है, जैसे हमने यहाँ पे गेट की थी, गेट सेल पोजीशन है, तो हमारे पास यहाँ पे सेट सेल पोजीशन है। नेक्स्ट इज सेट कॉलम स्पैन, Likewise set row span, right? अगर मुझे number of rows and number of columns को span करने में करने के लिए value set करनी है, then I can use these two methods. Next is set column and set row. Particular column की position and particular row की position according to the child control. अगर मुझे set करनी है, यहाँ पे मैंने get किया था, यहाँ so ये set method का use करके मैं वो values भी set कर सकती हूँ। So students, these are the methods of table layout panel control, and the default event of table layout panel control is also similar to the flow layout panel control, that is paint event, right? So the paint event is the default event of this particular control. So students, यहाँ पे container controls वाला जो point है आपके syllabus में, right? वो यहाँ पे complete होता है. Again, I repeat. विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशंस रिलेटेड जो भी कंटेनर कंट्रोल्स है आपके सिलेबस में वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से कंटेनर कंट्रोल्स देखे हमने, टेबल लेआउट पैनल, फ्लो लेआउट पैनल, स्प्लिट कंटेनर, टैब कंट्रोल, पैनल एंड ग्रुप बॉक्स कंट्रोल, राइट, हमने इतने कंटेनर कंट्रोल्स देखे कि जो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो, एंड दे आर विद इन योर सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 3।